हमारे यहाँ पर विचार बना चुके हैं कि एक अगला कदम मेरा यहाँ पर एक गरीब बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना है, और इसके लिए मैं इनका सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ श्री नानकचंद गुप्ता जी भी हैं, जिनके कृपा से यहाँ मेडिसिन बंटन संभव हुआ। लगभग 11 से 15 हजार रुपए का मेडिसिन उन्होंने डोनेट किया है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मंच पे आए और हम सब ताली बजा के उनका। अब हम चाहेंगे यहाँ के उत्साह को आगे बढ़ाएं कि हम जो बच्चे हैं हम कुछ ना कुछ करते रहें। स्वराज के एनजीओ के जितने भी पदाधिकारी वो सदस्य हैं और मेरी कॉलोनी के विशिष्ट व्यक्ति आदरणीय सिद्धू साहब, आज का ये जो कैंप यहाँ पे लगाया गया है पता लग पाएगा, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये कार्य कर रहे हैं इलाके में गरीब बस्तियों में जा जाके, इससे काफी मतलब बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। एलपी जरूरत पड़ती है तो हमारे हमारी जो मतलब टीम है वो एकजुट होकर के इनका पूरा साथ देगी। धन्यवाद सर। आप कहिए जगह बैठे हैं, डावर जी बैठे हैं, तो उन्होंने अभी कुछ कहा है, बहुत अच्छा कहा है। और आज एक बहुत ही सुंदर मौका है, हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा कदम डॉक्टर पात्रा ने उठाया है और इनकी टीम ने, हमें बहुत ही महंगी हो चुकी है। कहीं भी जाइएगा आप तो जरा भी एक जरा दुखद बात हो तो वहाँ से रेशन मिलता है, नर्सिंग होम जो है कोई हो तो कहते हैं 20,000, 10,000, 40,000 ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम उनकी तरफ से, सारी कॉलोनी की तरफ से डॉक्टर पात्रा और इनकी सारी टीम का स्वागत करता हूँ और हमेशा के लिए, और दुआ करूँगा कि जो कुछ हमारे से हो सकेगा, जो भी दूसरे छोटे खड़े हैं मैं इनका भी स्वागत करता हूँ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। धन्यवाद के साथ। डॉक्टर साहब का अगला वॉक करना प्रचार है, पता चला था कि चंद्रावल के आदर प्रणाम तथा आप लोगों का स्वागत है कि आज इस मजनू का टीला क्षेत्र में इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसका फायदा यहाँ के ऐसे तमाम लोगों को मिलेगा जो वास्तविकता में इस खुशी में एक बात जो शामिल होती है वो ये कि कहीं ना कहीं हर तबका, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, यहाँ पर जो व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं इसकी एक बड़ी खुशी की मतलब आगे बढ़कर इस कार्य को पूरा करवाया और देखकर खुशी हुई कि लोगों के अंदर एक जो विश्वास आज एक जमना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर राजनेता आगे नहीं आते हैं तब भी हम लोग आपस में ही इतने सक्षम है, हम लोग अगर चाहें तो तमाम चीजों को दूर कर सकते हैं। ये मतलब जो कुछ भी अपनी तरफ से कर सकता हूँ या करना चाहूंगा या हम जैसे और भी कई लोग जो अपना समय सम्मिलित हो सके उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। शर्मा सर कह रहे थे हमारे इलाके के जो SHO हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कही, डॉक्टर पात्रा से निवेदन भी था कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की भी बहुत अधिक जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारा तबका ऐसा है जो गरीबी के कारण या कई ऐसे कार्य के कारण पर उपस्थित तमाम लोगों से कि वो इस क्षेत्र में भी एक ऐसी पहल करें कि यहाँ के हर व्यक्ति को शिक्षा भी मिल सके, जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर पात्रा ने काम किया है। मैं और अधिक कुछ ना कहते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि ये नंबर नहीं आता उनका, धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन आज स्वराज जो यहाँ पर एक ऐसे काम करने गए हैं तो गरीबों के सहाय बने हैं। और भी कई चीजें जो स्वराज के माध्यम से चलाई जा रही है या और कितनी सुविधाएं वो प्राप्त कर सकते हैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। आप लोग अपना चेकअप कराने के बाद, दवाई लेने के बाद यहीं पर हमने दरी बिछा रखी है और कुर्सियां भी लगाई हुई है, यहाँ पर बैठिए और एक जो फिल्म आपको यहाँ दिखाई जाएगी उसको देखने के बाद ही आप लोग थोड़ा सा और मैं डॉक्टर सिटीजन, मेरे सीनियर, मेरे क्लीग, स्पेशली स्वराज, जिनमें से मैं डॉक्टर पात्रा को जरूर जानता हूँ जो अमूमन हमारे से मिलते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे एरिया में ये उत्सव ही कहूँ
कहूंगा मैं, उसको उत्सव हो रहा है, गरीब आदमी को उसके घर जाके डॉक्टर मिले या पुलिस मिले, मैं इसको हमारे समाज में बड़ा अच्छा मानता हूँ। इस गरीब जनता का ध्यान रखें और यहाँ आके उनकी आत्मा को, हमारी आत्मा को, सबको बड़ी शांति मिलेगी। और जिस भाव भाव से हमारे डॉक्टर साहब और सभी जो यहाँ बैठे हैं उनका धन्यवाद करूँगा। और ये रिक्वेस्ट एक बार फिर कुछ समय पश्चात से ही बार बार यहाँ कैंप लगाएं ताकि हमारी जनता का जो उद्धार हो। और मैं अश्योर करता हूँ मजनवा जिला के लोगों को, हमारे एस एस साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, कि जैसे डॉक्टर साहिबान पहुँच रहे हैं घर घर में, वैसे हम और हमारे वीर डॉक्टर आपके घर घर पहुँच कर आपकी तकलीफों का निवारण करेंगे। जानकारी दें, मैं एनसीडी के प्रसूति एवं शिशु विभाग से हूँ। और आपको पता होगा कि आपका जो सेंटर है यहाँ मजनू के टीला से लगा जुड़ा हुआ, वो आपका खाइबर पास सेंटर कहलाता है और रिंग रोड के ऊपर ही है। आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में। एक खुशखबरी है सरकार की तरफ से, 2 अक्टूबर में एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसके अंतर्गत जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स, आप लोग बीपीएल के माने जानते होंगे, जो 2001 में सरकार ने बनवाई थी, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, उसका ये मतलब है कि कुछ जिनकी वार्षिक आमदनी कुछ 2400 या उससे कम होती है, उनको सरकार ने ये कार्ड इशू करी थी। तो ये कार्ड होल्डर और इसके अलावा अगर ऐसे बीपीएल की सर्टिफिकेट लोकल काउंसलर या एमएलए का बनाया हुआ आपके पास हो, और इसके अलावा एक और ये है ग्रुप है जो कि अनुसूचित जाति से होते हो और उनके जो सर्टिफिकेट होना है वो एसडीएम लेवल की होनी चाहिए अनुसूचित जाति के। तो इन लोगों को अपने जब महिलाएं गर्भावस्था में होंगी वो अपने कार्ड, इन कार्ड को लेकर अपने लोकल सेंटर में जरूर जाएं। इसमें उनकी जब डिलीवरी के टाइम होगा यानी प्रसूति के टाइम पे इनको सरकारी अस्पतालों से पैसे मिलेंगे 600 रुपए। तो इसके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके आपको ये बता रही, जिनके पास कार्ड हो वो सेंटरों में जाकर अपने कार्ड बनवा जरूर लें, नहीं तो ये फायदा आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर सिंहा आपकी इस जानकारी के लिए। हजारों लाखों लोगों को इस बात के लिए फायदा मिलेगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं एक बात यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूँगा कि देखिए हमारी स्थानीय पुलिस आज की डेट में समाज सेवा में कितनी अग्रह है। सभी लोग दवाई लेने के बाद यहाँ से जाएंगे नहीं, आप लोगों के लिए दवाई के अलावा भी और भी कई सुविधाएं जो स्वराज के माध्यम से दी जा रही है यहाँ पर रुके और इस फिल्म का आनंद उठाएंगे। कीमती समय निकाल कर यहाँ पर लोकप्रियता में यहाँ के लोग, मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ कि गौ रोटी कमाने के लिए कम से कम 2400 घंटे बिजी रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी टीम को यहाँ पर आके काम करने के लिए प्रेरित करना। सभी लोगों से अनुरोध है कि देखिए यहाँ पर डॉक्टर पात्रा जो टीम लेकर आए हैं वो सब आपकी सुविधा के लिए है। कुछ कमियाँ हर जगह होती है लेकिन उसको लेकर उनके साथ में कार्यरत डॉक्टर्स की टीम, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आकर हमारी गरीब जनता के विषय में उन्होंने सोचा, उनका उपचार करने की सोची और उनको प्रयास किया उनकी बीमारियों का इलाज करने का। हेलो, मैं आग्रह करूंगा हरदीप कौर जी से, कृपया वो मंच पे आएं और दो शब्द कहें। तो मैं इस मौके पर
बक्सर को बहुत बड़ा सफर रहा। ऐसे ही काम जो हमारे देश के अलग अलग इलाकों में लग रहे होंगे, जो हम सबका फर्ज बनता है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते।